क्वेश्चन नंबर 481 दुलार चंद गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 481 माननीय मंत्री जी उत्तर सदन के पटल पर रखा। अध्यक्ष महोदय प्रश्न काल में पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने विस्तार से इसका जवाब दिया है, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिशा निर्देश से ये काम नहीं चलेगा। माननीय मंत्री जी ये जो RUB है, जो अंडरवास है, खास करके बरसात वाला एरिया या फिर जहां फ्लड आता है, बरसात के समय RUB के हाइट से ऊपर रेलवे लाइन के ट्रैक के नीचे तक पानी आ जाता है, तो जो समाधान का तरीका है बताया गया कि पंप सेट से पानी निकालते हैं या नज़दीक का नाला रहेगा सर, तब ना पानी दीजिएगा। इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसका कोई वैकल्पिक उपाय सोचना चाहिए और फिर जल निकासी का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि बरसात के समय तो ये बंद रहता है, उसके आगे 4 महीना तक ये RUB बंद रहता है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न जो विषय यहाँ रखा है, ये वाकई मेरे पास करीब करीब देश के हर कोने से सभी सांसद महोदय महोदया ने सबने RUB में वाटर लॉगिंग का विषय रखा है। उसमें अभी रेलवे ने सारे के सारे देश भर के चीफ इंजीनियर्स की एक डिटेल्ड वर्कशॉप रखी थी सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड के अंडर, कि किस तरह से हमारे पास क्या क्या समाधान, जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है हर एक ऑप्शन को इसमें यूज़ किया जाए। 4 ऑप्शन यूज़ किए जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। पहला जो पंपिंग का है, पंपिंग नेचुरली पिछले साल भी बहुत की गई थी, इस साल उसको और अधिक मात्रा में करेंगे। दूसरा डिज़ाइन में चेंज करना। हमारे कर्नाटक के सांसद महोदय जो MOS साहब है भगवंत खुबा जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था एक मीटिंग में, कि अगर 1 किलोमीटर दूर भी अगर लेवल लोअर है तो 1 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन भी बनाओ तो भी आपके अच्छा है। उस सुझाव को भी हम लोग अमल में ला रहे हैं। तीसरा माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी जगह RUB को थोड़ा चौड़ा करके उसमें कुछ हिस्सा, जैसे बाकी हिस्से का लेवल अगर यहाँ है तो कुछ हिस्से का 1-1 मीटर का हिस्सा थोड़ा सा ऊपर लेने की वो भी एक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ अब कोशिश ये करेंगे कि अधिक से अधिक RUB बनाएं, फ्लाईओवर ओवरब्रिज बनाएं, न कि अंडरपास बनाएं, क्योंकि अंडरपास में चाहे जितनी भी कोशिश करोगे दूर दराज के इलाके में वाटर लॉगिंग तो होगी। ओके, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ। मंत्री जी ने अपने जवाब में भी बोला है, क्योंकि वर्षा और फ्लड इफेक्टेड एरिया में सभी माननीय सदस्यों का आपके पास जाता भी है, तो ऐसे एरिया में RUB या अंडरवास कारगर नहीं है। इसीलिए मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जितने भी RUB में जल जमाव का है फ्लड इफेक्टेड एरिया में, इसको इन परियोजनाओं को एक जगह क्लब करके और राष्ट्रीय परियोजनाओं में चिन्हित करके इसमें RUB बनाने का विचार रखते हैं क्या? माननीय सांसद महोदय का जो प्रस्ताव है, इससे मैं बिल्कुल आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूँ। यथासंभव RUBs को RUBs में कन्वर्ट करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। अवश्य दोनों की कॉस्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। RUB 2-1 करोड़ 3 करोड़ में बन जाता है, जबकि RUB में करीब 50-60 करोड़ की कॉस्ट आती है। साथ ही साथ अध्यक्ष जी, RUB फ्लाईओवर जल्दी से जल्दी बने उसके लिए भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। 102 के आसपास स्टैंडर्ड डिज़ाइंस बनाई गई है, जो 102 डिज़ाइन जिससे कि कहीं पर भी अप्रूवल का कोई झमेला ही नहीं रहे। डिज़ाइन ऑलरेडी अप्रूव्ड डिज़ाइन फील्ड में भेजी गई है माननीय अध्यक्ष जी, जिससे कि कोई भी अप्रूवल का झमेला ही नहीं रहे। फटाफट काम अप्रूवल हो और काम आगे बढ़े।